अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमस किचन। आज हम बना रहे हैं रिच चॉकलेट स्मूदी, जो बहुत ही मज़ेदार होती है और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं और बच्चे भी इसको बहुत शौक से पीते हैं। चले देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक गिलास मैंने दूध लिया है, एक कप दही लिया है मैंने, ये आइस क्यूब्स हैं और ये मेरे पास 4 टेबल स्पून क्रीम है, ये 3 टेबलस्पून चीनी है। 2 से 3 कर लें, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है 3 कर लें, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कॉफ़ी, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध, ये इसमें दही चली गई, ये चीनी, ये कोको पाउडर, ये कॉफी, और इसमें ये हम क्रीम डाल देंगे, ये 4 टेबलस्पून आपको बताई थी, ये इसमें चली गई। अब इसमें ये आइसक्रीम, अब इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसको ग्लास में डालेंगे। ये ग्लास को मैंने पहले ही फ्रिज में रख दिया था ताकि ग्लास हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएं। हम अब ग्लास को डेकोरेट करेंगे। ये सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये ग्लास को, ये मेरे पास शहद है, इसको लगाऊंगी। ये मैंने किनारों पे शहद लगा दिया है। अब ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, ये लगा दी हमने, ये लग गई। इसी तरह मैं दूसरा ग्लास तैयार करूँगी। अब इस तरह हम ब्राउन शुगर लगाएंगे, ये देखें ये ग्लास पे लग गई है। अब इसको मैं हटा दूंगी। अब ये मेरे पास चॉकलेट सॉस है, इसको हम ग्लास में डालेंगे। इसी तरह मैं दूसरे ग्लास में डालूंगी। ये दोनों ग्लासों में मैंने चॉकलेट सॉस लगा दी है। अब ये दोनों ग्लास मैंने तैयार कर लिए, ये अंदर मैंने चॉकलेट सॉस लगा दिया है। अब हम ये अपनी चॉकलेट स्मूदीज में डालेंगे। अब इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ये मेरे पास क्रश की हुई चॉकलेट है, अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। व्यूवर्स, ये हमारी रिच चॉकलेट स्मूदी तैयार है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आप इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को भी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।